नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सूखा नारियल यानी कि गरी खाने के फ़ायदों के बारे में। गरी यानी कि सूखे नारियल का इस्तेमाल कई सारे पकवानों को बनाने के लिए किया जाता है। नारियल में जो पानी होता है, जब यह कुदरती रूप से सूख जाता है तो यह पूरी तरह से गरी बन जाता है। इसे आप गोले के रूप में निकाल कर रख सकते हैं, ज़रूरत के अनुसार इसे फोड़ कर खा सकते हैं या फिर इसे कई सारी व्यंजनों में डाल सकते हैं। नारियल का पानी ही सूखकर तेल में बदल जाता है और गरी के अंदर समा जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि नारियल के तेल में खराब कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। सूखे नारियल को खाने से शरीर को फाइबर, कॉपर, सेलेनियम और मैग्नीशियम प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं इसके कुछ मुख्य फायदों के बारे में। तो दोस्तों, इसका पहला फ़ायदा आता है कैंसर से बचाव में। जी हाँ दोस्तों, ड्राई कोकोनट के सेवन से कैंसर होने से बचा जा सकता है। इसे खाने का फ़ायदा यह है कि इससे प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए अपनी डाइट में सूखा नारियल आपको ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगला इसका फ़ायदा आता है हड्डियों को मजबूत बनाने में। सूखे नारियल के सेवन से स्किन, लिगामेंट्स, टेंडनेस और हड्डियों के टिश्यू मजबूत होते हैं, क्योंकि इन टिश्यू में मिनरल्स पाए जाते हैं और इनकी कमी शरीर के किसी भी हिस्से को हानि पहुंचा सकती है। गरी के सेवन से इन मिनरल्स की पूर्ति हो जाती है और यह सभी मिनरल्स आसानी के साथ शरीर में समाहित हो जाते हैं, जिससे आपको आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियाँ से छुटकारा मिलता है। अगला इसका फ़ायदा होता है दिमाग के लिए। अगर आपका दिमाग चुस्त दुरुस्त आपको बनाना चाहते हैं तो सूखे नारियल का सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। कई सारी रिसर्च से यह पता चला है कि गरी खाने से दिमाग तेज बनता है और अल्जाइमर जैसी दिमागी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। अगला इसका फ़ायदा होता है पाचन क्रिया के लिए। दोस्तों, सूखा नारियल पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाए रखने में मददगार है। जी हाँ दोस्तों, इससे कब्ज, खूनी दस्त और बवासीर जैसी समस्याओं से आराम मिलता है। दोस्तों, इसका अगला फ़ायदा आता है दिल के लिए। गरी में डाइटरी फाइबर पाया जाता है जो दिल को हेल्दी बनाए रखता है। एक पुरुष को रोज़ाना 38 ग्राम और महिला को रोज़ाना 25 ग्राम डाइटरी फाइबर की ज़रूरत होती है। सूखा नारियल खाने से शरीर में डाइटरी फाइबर की कमी को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, इसका अगला फ़ायदा है कि यह पुरुषों की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, यह बात एकदम सच है कि सूखा नारियल खाने से नपुंसकता से छुटकारा मिलता है। साइंटिफिक रिसर्च से यह प्रमाणित हो चुका है। इसमें सेलेनियम पाया जाता है जो पौरुष शक्ति को बढ़ाता है। अगला इसका फ़ायदा होता है गठिया की बीमारी में। दोस्तों, इस सूखे मेवे में गठिया की बीमारी को ठीक करने के गुण पाए जाते हैं। इसके सेवन से गठिया के दर्द से तुरंत राहत मिलती है। इसमें ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो टिश्यूज़ को हेल्दी बनाए रखते हैं। अगला इसका फ़ायदा होता है बॉडी की इम्यूनिटी को मजबूत करने में। गरी में 5.2 माइक्रोब सेलेनियम पाया जाता है जो बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसलिए इसे खाने से शरीर को कई सारी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। अगला इसका फ़ायदा होता है खून को बढ़ाने में। जी हाँ दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ स्त्रियों में खून की कमी हो जाती है। ऐसा आयरन की कमी की वजह से हो सकता है, जिससे आपको अन्य बीमारियां भी हो जाती है। सूखा नारियल शरीर में खून की कमी को दूर करता है। इसलिए शरीर में खून की कमी यानी कि एनीमिया की बीमारी हो गई है तो सूखे नारियल को आप लोगों को ज़रूर खाना चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार एक सूखा नारियल आपकी सेहत के लिए ढेर सारे फायदे लेकर आता है। तो जो लोग इसका सेवन बिल्कुल नहीं करते, उनको इसका सेवन बहुत करना चाहिए, ताकि ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और काफ़ी खाने में अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो और जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।